जय हिंद फ्यूचर कैंडिडेट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल आर वेल एंड प्रिपरेशन फॉर एसएसबी इंटरव्यू इज गोइंग ऑन वेल। डियर स्टूडेंट्स, इन द सीरीज ऑफ पीपी एंड डीटी रेगुलरली वी आर लर्निंग हाउ टू राइट ए गुड स्टोरी एंड हाउ टू नैरेट इट। प्यारे बच्चों, इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फर्स्ट टाइम, देन आपको मैं बता दूं कि यू विल बी शोन अ पिक्चर फॉर 30 seconds एंड आफ्टर दैट यू विल बी गिवन 4 minutes टू राइट अ स्टोरी। वाइल राइटिंग अ स्टोरी यू हैव टू एक्सप्लेन इन द बॉक्स हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर, व्हाट इज देयर एज, मूड एंड सेक्स एंड अलॉन्ग विद द थीम। सो लेट्स स्टार्ट टूडेज पीपीटी। इन टूडेज पीपीटी यू आर सीइंग द पिक्चर एंड द पिक्चर इज वेरी क्लियर। दिस इज हैजी वन बट क्लियरली द थिंग्स आर सीन। तो यहां पर देखिए आप, अ गाय इज गोइंग, यहां पर आपको आता हुआ दिख रहा है। अ बोर्ड इज हियर बट बोर्ड जो है क्लियर नहीं है कि बोर्ड पर एक्चुअली लिखा क्या है। एंड दिस बिल्डिंग इज लुकिंग लाइक एन इंस्टीट्यूशन, दिस मे बी अ स्कूल बिल्डिंग, कॉलेज बिल्डिंग और एनी रिसर्च इंस्टीट्यूशन। एंड द गाय इज कमिंग एंड द बॉय हु इज कमिंग ही हैज अ बुक लाइक मटेरियल इन हिज हैंड। तो उसके हाथ में बुक है, या बुक भी हो सकता है, कोई फाइल भी हो सकता है, तो उसके हाथ में कुछ ना कुछ है। एंड डेफिनेटली हम इसको स्टडी से रिलेटेड भी बना सकते हैं। सो क्या क्या इसकी थीम हो सकती है, यू कैन इमेजिन 3 or 4 themes। फर्स्ट थीम ये हो सकता है कि ही इज एन ऑफिसर और वो वहां पर कुछ इंक्वायरी के लिए गया है, कुछ सर्च करने के लिए गया है, या फिर ये कोई रिसर्च स्कॉलर हो सकता है जो अपने इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं अपनी रिसर्च करने के लिए, या फिर ये कोई टीचर भी हो सकते हैं, स्टूडेंट भी हो सकता है, डोंट वरी अबाउट दैट। सो व्हाट एवर द थीम कम्स इन योर माइंड यू शुड राइट योर स्टोरी एंड पोस्ट इन टू द कमेंट बॉक्स। जो कुछ आप लिखते हो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, सो दैट आई विल रीड योर स्टोरी व्हाट एवर यू हैव रिटन व्हाइल वॉचिंग दिस पिक्चर। नाउ कम, मैंने इस पिक्चर के बारे में क्या लिखा है। तो डेफिनेटली यहां पर दिख रहा है ये व्हीकल इसका पीछे खड़ा है, इसी से आया होगा और आकर के इसमें एंट्री करने की कोशिश कर रहा है। तो इस इंस्टीट्यूट में क्यों आ रहा है, क्या यहां पर हो सकता है। अगर आप एनडीए के एस्पिरेंट्स हैं देन डेफिनेटली आपको ये खूब मदद करेगा। सीडीएस, एफकेट और बाकी एसएसबी के स्टूडेंट्स तो काफी सीख चुके ही होते हैं, पर एनडीए के जो बच्चे हैं जो एकदम नया नया एसएसबी के लिए जा रहे हैं, आपको प्रिपरेशन की थोड़ी ज्यादा जरूरत है, आवश्यकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने अपनी स्टोरी में क्या लिखा है, राजेश अ न्यूली अपॉइंटेड फिजिक्स टीचर इन ए स्कूल। राजेश जो है किसी स्कूल में फिजिक्स के नए अपॉइंटेड टीचर हैं। आफ्टर स्टार्टेड टीचिंग ही फाउंड दैट सम स्टूडेंट्स आर वीक इन सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। व्हेन स्टार्टेड टीचिंग ही फाउंड आउट दैट सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर वीक इन सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। टोटली बच्चे गधे हैं ऐसा वो नहीं सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है कि कुछ बच्चे जो है वीक है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। राजेश प्लान्ड एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर देम। राजेश उनके लिए क्या करता है, एक्स्ट्रा क्लासेस प्लान करता है। अब एकदम से बस इतना ही नहीं लिख देना है कि राजेश प्लान्ड एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर देम एंड दे जो उनका रेमेडियल हो जाता है, दे इंप्रूव्ड, डायरेक्टली नहीं लिखना। आपको एक्शन पूरा बताना है कि उसने एक्स्ट्रा क्लासेस प्लान की। ही टुक प्रिंसिपल्स परमिशन। ध्यान रखिएगा बेटा, वेन यू आर वर्किंग इन एनी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन तो आप वहां पर बॉस नहीं होते, अपुनिच भगवान नहीं होते, वहां पर हमारे ऊपर कोई सुपीरियर ऑफिसर होते हैं। तो राजेश ने एक्सरसाइज प्लान की, उस प्लानिंग के लिए परमिशन लिया किसका, प्रिंसिपल साहब का, एंड प्रोवाइडेड शेड्यूल टू द स्टूडेंट। जैसे ही प्रिंसिपल साहब ने ग्रीन सिग्नल दिया, उसने स्टूडेंट्स को पूरा शेड्यूल प्रोवाइड कर दिया। ही प्रिपेयर सम टेबल्स ऑफ फार्मूलास, है ना, इंपोर्टेंट फार्मूलास के कुछ टेबल वो प्रिपेयर करता है, एंड प्रिपेयर प्रैक्टिस शीट, साथ ही साथ कुछ प्रैक्टिस शीट भी वो बंदा प्रिपेयर करता है। अरेंज सम मॉडल्स फॉर लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, कुछ मॉडल्स भी अरेंज करता है ताकि बच्चों को फॉर्मूला और डिस्टेंस और ये सब बताने के लिए उसको उन मॉडल्स की हेल्प मिल जाए। व्हाइल टीचिंग ही प्रोवाइडेड शीट्स एंड हेल्प्ड स्टूडेंट्स इंडिविजुअली। जब वो पढ़ाता है तो पढ़ाने के साथ साथ एक्स्ट्रा शीट्स भी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ स्टूडेंट्स को इंडिविजुअल अटेंशन भी देता है। एंड ऑल्सो चेक देयर शीट्स सेपरेटली, उनकी हर एक की शीट्स, ला भाई बता तू करके लाया है या फिर नहीं लाया। आप देखिए बच्चों, पहली लाइन में आपके बंदे का इंट्रोडक्शन आ गया, दूसरी लाइन में प्रॉब्लम आ गई, लाइन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 8th लाइन तक क्या चला है, एक्शन चला है। एक्शन पास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी पीपीटी को लिखने में या किसी भी टीएटी को लिखने में, आपको एक्शन वाले पार्ट पर स्पेशल फोकस करना ही है और अननेसेसरी एक्शंस नहीं डालना है।
एक ही प्रॉब्लम लेना है और उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उसी टास्क को सॉल्व करना है, तो वो उनकी शीट्स को सेपरेटली चेक करता है। स्टूडेंट्स टुक इंटरेस्ट, अटेंडेड क्लासेस रेगुलरली, स्टूडेंट्स इंटरेस्ट लेते हैं, गिवन शेड्यूल के अकॉर्डिंग रेगुलरली उनकी क्लासेस को वो अटेंड करते हैं। आफ्टर सम टाइम दे वर एबल टू डू वेल इन फिजिक्स सब्जेक्ट, और कुछ समय के बाद वो उस सब्जेक्ट के अंदर अच्छा परफॉर्म करने में सक्षम हो जाते हैं। न्यूमेरिकल्स का उनका जो प्रॉब्लम था, द प्रॉब्लम वाज शॉर्टेड आउट। तो प्यारे बच्चों देखिए, हमें टेक अवे मिला, जो कुछ हम काम करने निकले थे, व्हाट एवर द टास्क वी हैव टेकन इन आवर हैंड, उस टास्क को हमने कंप्लीट किया। वीडियो प्यारे बच्चों आप कहां से देख रहे हो और आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और प्लीज शेयर जरूर करें ताकि जरूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये वीडियोस पहुंच पाए। और अगर आपने अपने एसएसबी इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर लिया है, आपने चाहे कहीं से भी क्लासेस ली हो, किसी के भी गाइडेंस में प्रिपरेशन किया है, बट अगर आप ये देखना चाहते हो कि आज की तारीख में अगर आपका एसएसबी इंटरव्यू होता है तो आप रिकमेंड होंगे या फिर नहीं, इसी के लिए हमारा 4 दिसंबर से एसएसबी इंटरव्यू असेसमेंट कैंप आ रहा है। असेसमेंट कैंप का मतलब यह होता है कि जो बच्चे तैयार हैं उनकी तैयारी का लेवल क्या है, अभी भी उनके प्रिपरेशन में, उनकी पर्सनैलिटीज में क्या ग्रे एरियाज हैं, जहां अगर कोई बता दे तो बच्चे इंप्रूव कर लेंगे। कर्नल मनोज बर्मन सर, कैप्टन कमांडर विकास यादव सर, कैप्टन सतीश यादव सर, कैप्टन भूपेंद्र जोशी सर और कर्नल रवि मुखर्जी सर, और साथ ही साथ और भी हमारे एसएसआरस हैं, इन सबके गाइडेंस में वो 5 डेज का कैंप होगा, जिसमें पीपीडीटी से लेकर के इंडिविजुअल फीडबैक तक पूरे 5 दिनों तक एसएसबी इंटरव्यू में जो कुछ होता है सेम प्रोसीजर फॉलो होगी, और उस प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद आपका असेसमेंट करके आपके हाथ में दिया जाएगा कि अभी आप किस लेवल पर हैं, क्या आपका रिकमेंडेशन हो रहा है या फिर थोड़ी और मेहनत करने की आवश्यकता है। तो ये कैंप जो है 4 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, 5 डेज का एक कैंप होगा। फीस इसके सिर्फ 4000 होगी, जिसमें आपका रहना खाना सब कुछ शामिल है। 3 कैंप अभी तक हो चुके हैं, कैंप 1 और 2 में जो बच्चे आए थे खूब सारे रिकमेंडेशन उन बच्चों को मिले हैं, और कैंप 3 हाल ही में फिनिश हुआ जिसके रिव्यूज भी आप लोग देख रहे हैं, तो बच्चे खूब इंटरेस्ट ले रहे हैं। इंटरेस्ट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि रिटायर्ड एसएसआरस वहां पर इनको गाइड कर रहे हैं। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की।